क्या 26 जनवरी की घटनाओं की वजह से किसानों की जो छवि थी पब्लिक की आंखों में वो खराब हो गई है? क्या प्रोटेस्ट का मोमेंटम अब बिगड़ गया है, या फिर जो घटनाएं घटी वो बहुत जरूरी थी सरकार का ध्यान खींचने के लिए? इन क्वेश्चंस के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले इंसिडेंट के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिक डे के दौरान वो किसान जो दिल्ली की बॉर्डर्स में प्रोटेस्ट कर रहे थे करीब 2 महीनों से, उन्होंने एक ट्रैक्टर रैली ऑर्गेनाइज करी। इस रैली का रूट किसान के यूनियन लीडर्स ने दिल्ली पुलिस के साथ अग्री कर लिया था, और किसानों का प्लान था एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का 26 जनवरी में। प्लान ये आ कि शांतिमयी तरीके दे नाल जेड़ा मार्च कटा जाएगा। शांतिमयी शांतिमयी बिल्कुल शांति, सरकार के जो भी प्रोग्राम है हमारा उसके साथ कोई लागा देगा नहीं। पर कुछ किसान इन प्री डिसाइडेड रूट से अग्री नहीं करते थे। एक फार्म लीडर ने कहा कि जो नौजवान किसान थे वो ज्यादा उत्तेजित हो गए। इस रूट चेंज की वजह से दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच क्लैशेस हुए। किसानों का मानना था कि सेंट्रल दिल्ली में घुसना उनकी एक राइट है, जबकि दिल्ली पुलिस कह रही थी कि ये रूट अग्री ही नहीं हुआ था, इसलिए वो उनको उधर मार्च करने से रोक रही थी। किसान कहते हैं कि पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स यूज करी, एक्सपायर टीयर गैस के साथ साथ उन्होंने शॉट्स भी फायर करे। जबकि दिल्ली पुलिस का मानना है कि किसानों ने ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी, बल्कि कई पुलिस कर्मियों की जान पर खतरा भी डाला। इवेंचुअली किसान रेड फोर्ट के अंदर पहुंच गए, पर कंट्रोवर्सी तब बढ़ गई जब एक वीडियो क्लिप सामने आई जब किसान निशान साहिब का झंडा पोल पर लगा रहे थे। एक पिछले वीडियो में हमने साइंस ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में बात करी थी, जहां हमने कई फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था जो एक प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम एक फैक्टर पर और डीप जाएंगे, वो है नॉन वायलेंस। अब इस वीडियो में मैं फार्मर डिमांड के बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि वो जस्टिफाइड है या नहीं, क्योंकि उनके बारे में हम एक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी प्रोटेस्ट की सक्सेस बस एक फैक्टर पर निर्भर करती है, और वो है परसेप्शन, यानी कि इमेज या फिर छवि। और प्रोटेस्ट जो नॉन वायलेंट होती है उनकी इमेज ज़्यादा बेटर हो सकती है। हर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एक परसेप्शन की बैटल होती है, और हर प्रोटेस्ट में ब्रॉडली 5 एक्टर्स होते हैं। मेन लड़ाई प्रोटेस्टिंग ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच हो सकती है, पर पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट के मेंबर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। प्रोटेस्टिंग ग्रुप और गवर्नमेंट दोनों ही इन ग्रुप्स के सपोर्ट खींचने की कोशिश करते हैं। इस परसेप्शन बैटल को जीतने के लिए एक कॉमन तरीका जो दोनों ही साइड्स अपनाती हैं वो है कि प्रोटेस्टर्स बोलते हैं कि सरकार एक्चुअली इनोसेंट लोगों को मार रही है, जबकि सरकार बोलती है कि ये प्रोटेस्टर्स कोई इनोसेंट लोग नहीं है बल्कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स है जो सरकार को ही गिराना चाहती है वायलेंट तरीके से। और इसके लिए वो एक बहुत पुरानी ट्रिक यूज करते हैं जो एक हिंदी की कहावत है कि एक मछली एक पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो कुछ इंसिडेंट से किसान ये बोलते हैं कि पुलिस एक्सेसिव वायलेंट फोर्स यूज कर रही है, और पुलिस ये कहती कि सभी प्रोटेस्टर्स वायलेंट है और उन पर सेडिशन के चार्ज लगने चाहिए। पर इस परसेप्शन बैटल में दोनों ही साइड्स के पास एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। जैसे प्रोटेस्टिंग ग्रुप की एडवांटेज यह है कि उनके पास सिंपथी है कॉमन लोगों की, क्योंकि वो है तो किसान ही, पर उनकी डिसएडवांटेज यह है कि उनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जैसे हमने देखा कि फार्म लीडर्स के अग्री करने के बावजूद कुछ फार्मर्स ने रूट फॉलो नहीं करे। इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ही कुछ फार्म लीडर्स अब लखा सिधाना और दीप सिद्धू पर दोष डाल रहे हैं कि इन लोगों ने 25 जनवरी की रात प्रोटेस्ट स्टेज पर कब्जा करके नौजवान किसानों को भड़काया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दीप सिद्धू एक्चुअली एक गवर्नमेंट एजेंट है, और इसीलिए किसान यूनियंस इन लोगों से अब दूर हट रहे हैं। जबकि पुलिस या फिर सरकार की साइड में एडवांटेज ये है कि वो वेल कोऑर्डिनेटेड है, जैसे वो वेल ट्रेन्ड है और उनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी है। पर डिसएडवांटेज ये है कि आम जनता से उनको कई बार सिंपथी नहीं मिलती, और क्योंकि उनके पास वेपन्स अवेलेबल होते हैं उनके लिए कई बार चैलेंजिंग हो सकता है उन वेपन्स को प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट ना यूज करना। इन प्रोटेस्ट में किसानों पर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनको नॉन वायलेंट रहना है ताकि उनको पब्लिक और एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आज की तारीख में दोनों ही ट्रेडिशनल और सोशल मीडिया सरकार की हाथों में है, इसलिए ये परसेप्शन बैटल जीतना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद हैशटैग शूट ट्रेंड हो रहा था ट्विटर में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। अब अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ऑब्वियस है कि किसी भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए एक परसेप्शन बैटल जीतना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू एक वायलेंट प्रोटेस्ट। पर इसके लिए एक रिसर्च एविडेंस भी है। जैसे एक रिसर्च के हिसाब से नॉन वायलेंट कैंपेन्स ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं वायलेंट कैंपेन्स से, जिसके बारे में इस रिसर्च पेपर ने डिटेल में चर्चा करी थी। रिसर्चर्स 3 कारण देते हैं कि नॉन वायलेंट कैंपेन ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं। पहला कारण है कि नॉन वायलेंट कैंपेन्स को रोकना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। सबसे आसान तरीका होता है
कि वायलेंस से रिस्पॉन्ड करना, पर अगर वो वायलेंस से रिस्पॉन्ड करते हैं तो सरकार अपना सपोर्ट पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट मेंबर्स या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से खो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी सरकार वायलेंस से रिस्पॉन्ड करती है तो उनकी इमेज ये बन जाती है कि वो एक ओप्रेसर है। इनफैक्ट कुछ प्रोटेस्टर्स इस बात को बहुत बारीकी से समझते हैं और इसको ही उन्होंने सरकार के अगेंस्ट यूज किया है अपनी प्रोटेस्ट सक्सेसफुल करने के लिए। इस एक रिसर्च पेपर के हिसाब से 1960s की सिविल राइट मूवमेंट जो US में हो रही थी, उधर प्रोटेस्ट लीडर्स ने जानबूझ के बर्मिंगम और सलमा जैसे शहर चूज कर रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उधर के पुलिस चीफ में ज्यादा संभावना थी वायलेंट होने के लिए और वो इसी बात को यूज करना चाहते थे अपनी प्रोटेस्ट की तरफ सपोर्ट और खींचने के लिए। फिर दूसरा कारण है कि प्रैक्टिकली पब्लिकली एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में ज्वाइन करना भी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वायलेंट कैंपेन्स में यूजली नौजवान लड़कों की डिमांड होती है, जबकि नॉन वायलेंट कैंपेन्स में बुजुर्ग या फिर महिलाएं भी ज्वाइन कर सकती हैं। और एक फिजिकल बैरियर ही नहीं, एक वायलेंट कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए एक मॉरल बैरियर भी होता है, जहाँ हमें लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है अगर हम एक वायलेंट कैंपेन में योगदान देते हैं। और तीसरा कारण है कि एक नॉन वायलेंट कैंपेन की वजह से ज्यादा संभावना होती है कि एक सरकार नेगोशिएट कर सकती है प्रोटेस्टिंग ग्रुप के साथ, क्योंकि जो वायलेंट कैंपेन्स होते हैं वो सरकारी लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए कोई उनके साथ क्यों नेगोशिएट करेगा। उल्टा सरकार नेगोशिएट करने के बजाय और फोर्स से रिस्पॉन्ड करती है ऐसे वायलेंट कैंपेन्स के खिलाफ। जो किसान आंदोलन हमें देखने को मिला है वो बहुत हद तक नॉन वायलेंट ही रहा है, पर इसके बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वो दो स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हम एक ब्रेकिंग न्यूज से दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए किसान बस सरकार से ही नहीं लड़ रहे बल्कि वो इंडियन क्रिकेट टीम और चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ हमारे अटेंशन के लिए भी लड़ रहे हैं। इसीलिए कुछ किसान खुश नहीं थे जब उनको सेंट्रल दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई 26 जनवरी में, क्योंकि उनको लगा कि वो दो महीने से प्रोटेस्ट कर ही रहे, अगर वो 26 जनवरी को भी सेंट्रल दिल्ली नहीं पहुंच पाते तो वो ये अटेंशन बैटल हार जाएंगे। इस अटेंशन बैटल को जीतने के लिए किसानों को रेगुलरली दबाव बढ़ाना होगा सरकार पर बिना वायलेंट हुए। इसीलिए एक प्रोटेस्ट की सीढ़ी है और किसान इस सीढ़ी पर चलते आ रहे हैं। जैसे पहले हमने रेल रोको कैंपेन देखा पंजाब में, फिर दिल्ली चलो कैंपेन, फिर दिल्ली की बॉर्डर्स ब्लॉक हुई और फिर रेड फोर्ट तक मार्च। पर ऐसा करना कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि किसी भी पल अगर प्रोटेस्टर्स का एक भी सब ग्रुप वायलेंट हो जाता है तो पूरे ग्रुप की छवि खराब हो सकती है। दूसरा चैलेंज जो किसान फेस कर रहे हैं वो है कि उनको पब्लिक को कन्विंस करना है कि जो उनकी डिमांड्स है वो एक्चुअली लेजिटिमेट है। सरकार और किसानों के बीच 11 मीटिंग्स हो गई हैं। अब सरकार तो ये बोल सकती है कि हम आपसे नेगोशिएट कर रहे हैं, हम आपसे 11 बार मिल चुके हैं और आखिरी टॉक्स में हमने ये बिल 2 साल के लिए विड्रॉ करने के लिए भी मान लिया था। बट पब्लिक का सपोर्ट जीतने के लिए किसानों को एक कम्युनिकेट करना होगा आम जनता को कि सरकार क्यों जेन्युइन ऑफर नहीं दे रही है उनको और क्यों किसानों के लिए ये बिल पूरी तरह रद्द करवाना बहुत जरूरी है। लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से 28 जनवरी की रात को सरकार को ये भरोसा था कि वो ये परसेप्शन बैटल जीत चुके हैं और इसीलिए वो प्रोटेस्ट साइट्स को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, पर किसानों का मानना है कि रेड फोर्ट के इंसिडेंट के बावजूद वो ये परसेप्शन बैटल जीत सकते हैं और प्रोटेस्ट बंद करने की बजाय और किसान इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। अब ये फाइनल सेक्शन इस वीडियो टाइटल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है इन प्रोटेस्ट को समझना। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि इन प्रोटेस्ट का मेन कारण है ये फार्म लॉज, जो कुछ हद तक सही है, पर अगर हम एक ब्रॉड व्यू देखेंगे तो दो दूसरे कारण भी है। पहला कारण है जिस तरीके से हमारी सरकार ने ये लॉज को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही लिमिटेड कंसल्टेशन करी स्टेट गवर्नमेंट और किसानों के साथ। एक RTI के हिसाब से गवर्नमेंट के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ऐसी कंसल्टेशन का। इसके अलावा रेगुलर सेशन में पार्लियामेंट में बिल्स इंट्रोड्यूस करने के बजाय सरकार ने ऑर्डिनेंसेस को यूज किया, और फाइनली जब इन बिल्स पर वोटिंग हो रही थी तो वोट्स एक्चुअली काउंट ही नहीं किए गए बल्कि स्पीकर ने एक वॉइस वोट को यूज किया। दूसरा कारण है कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है पंजाब और हरियाणा में वो बहुत टाइम से गिर रही है, जिसकी वजह से किसानों में और डर पैदा हो गया है। और तीसरा कारण है जो इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की सेंट्रलाइजेशन हो रही है मोदी सरकार के आने के बाद। 2019 में टॉप 1% रिचेस्ट इंडियंस करीब इंडिया की 20% इनकम को कंट्रोल करते थे। लॉकडाउन के दौरान इंडियन बिलियनर्स की वेल्थ 35% से इंक्रीज हो गई। और निलंजन सरकार जो अशोका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने से बीजेपी की जो इकोनॉमिक पावर है वो और कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है, और क्योंकि अब इंडिया का पॉलिटिकल ऑपोजिशन बहुत ही इनएफेक्टिव है, यानी कि बहुत ही वीक है, उसका मतलब है कि कई ग्रुप्स जैसे किसानों के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है प्रोटेस्ट करने के अलावा। पर क्या किसानों की प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी
वो डिपेंड करेगा कि वो कितना सपोर्ट जीत पाते हैं दूसरे लोगों से।